दफ़ा द फेरो के बारे में बात कर लूँ। ये फीमेल बॉडी बिल्डर दुनिया के अच्छी फीमेल बॉडी बिल्डर में से एक है और कंपटीशन के साथ दुनिया में काफ़ी सारा दफ़ा दफ की वजह से जानी जाती है। फिटनेस में ओलंपिया में टॉप ओलंपिया मेटोस्टोस 2021 में ओलंपिया में एक नंबर पर आई थी और काफ़ी कॉम्पिटिशन ये फीमेल बॉडी बिल्डर इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पर है जो सारे फीमेल बॉडी बिल्डर की तरह अपने आप में मेंटेन करने के लिए फीमेल बॉडी बिल्डर से काफ़ी मेंटेन करते हैं। दफ़ा दफ़ा ऐसे फीमेल बॉडी बिल्डर हैं तो दुनिया में काफ़ी सेक्सी ओलंपिया फीमेल बॉडी बिल्डर वैसे जाने जाते हैं। ये अपने आप में इतनी मेंटेन करते हैं फिटनेस के लिए कि काफ़ी सीरियस रहते हैं और दुनिया में अच्छे फीमेल बॉडी बिल्डर में शामिल है। तो ऐसे फीमेल बॉडी बिल्डर सब स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल और फिटनेस में माइंड सेट के साथ साथ काफ़ी कुछ जाने जाते हैं। तो हमने फिटनेस की काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पर फीमेल बॉडी बिल्डर को देखते रहते हैं और एक सेक्सी फीमेल बॉडी बिल्डर में से एक है जो फिटनेस के दफा दफ कोर्सेज जानी चाहते हैं। ये मेंटेन हेल्थ और माइंड सेट के साथ साथ स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल भी काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट है और एक काफ़ी अपनी फिटनेस की एज इसकी बात कर लो तो 35 ईयर के लमसम में है और ये अपने आप में एक काफ़ी टैटू मैन भी है और एक सेक्सी फीमेल बॉडी बिल्डर में से एक है। इसकी इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर भी है, 66 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं और अपने आप में एक मेंटेन करने के लिए बॉडी के लिए काफ़ी सीरीज है। ये काफ़ी जन को फॉलो करके भी रखते हैं, 1210 पोस्ट करके रखे हैं, अपने आप में टॉप 2 पर भी आ चुके हैं। ऐसी बात नहीं से हर चीज टॉप 1 पर है, जिससे ओलंपिया सबके एक सपना होते हैं, मिस ओलंपिया में नंबर 1 पर आए थे, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है। मिस ओलंपिया खेलने के लिए हर फीमेल बॉडी बिल्डर कोशिश करते हैं पर हर के मौका नहीं मिलते, मगर ये फीमेल बॉडी बिल्डर के मौका मिल गए। ये फिटनेस में जानने के लिए अपनी फिटनेस के लिए काफ़ी सीरियस भी रहे हैं और ऐसे फीमेल बॉडी बिल्डर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मास्टर ओलंपिया में 2021 में और एक नंबर पर आए थे और नो एक्सपर्ट नंबर 1 पर आए थे ये फीमेल बॉडी बिल्डर। Distance sucks, but at least I'm still with you.